आप लोगों ने स्टोरी में पढ़ा होगा बीरबल की खिचड़ी, वैसे आज आप इमाम ब्लाउज की बिरयानी देखो मैं कैसे बिरयानी बनाता हूँ। मैं अभी घर पे बैठा तो मेरे को कोई कंटेंट नहीं मिला था लॉकडाउन की वजह से, मैं बाहर नहीं जा पा रहा था, तो ब्लॉगिंग के लिए बाहर घूम के ही थोड़ा करना पड़ता है। तो अभी मैंने आप लोगों के लिए आज स्पेशल बिरयानी बनाने वाला हूँ। सो गाइज वेलकम टू माई चैनल इमाम ब्लॉग्स, होप यू एब्सोल्युटली फाइन। तो चलिए मैं अपना बिरयानी बना रहा हूँ, आप देखिए कैसे मैं बिरयानी बनाता हूँ, आप भी इसको घर पर बनाने के लिए ट्राई कीजिए। मैंने चावल देख रहे हैं, मतलब चावल कैसा है, ये जितना लंबा आपका चावल रहेगा ना उतना आपको टेस्टी मिलेगा खाने के लिए बिरयानी। तो चलिए अब मैं अपना ये चावल डालता हूँ इसमें। तो मैंने इसमें चावल डाल दिया, अभी ये चावल को मैं अच्छे से वॉश करके फिर चावल को बनाऊंगा, मतलब जैसे बिरयानी बनेगा वो मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। जब तक के लिए मैं अपना ये चावल अभी वॉश किया है, तो अभी मैं चिकन को वॉश करूंगा। मैंने आधा केजी चावल डाला है, तो आधा केजी मैंने चिकन भी रखा हूँ, उस हिसाब से आपको जितना भी बनाना उतना चिकन रखो। और यहाँ पे देख रहा हूँ मैंने चिकन भी निकाल लिया, अभी चिकन को वॉश करके फिर मैं आगे आपको बताता हूँ क्या करूँगा। अभी मैंने चिकन निकाल दिया है, फिर अभी इसको वॉश करूँगा मैं, जब तक फिर आप वेट करो। अभी तक आपने देखा कि मैंने चिकन को वॉश किया हूँ और चावल को वॉश किया, उसके बाद मैंने ये देखो टोमेटो कट किया हूँ, ऊपर से ये धनिया पत्ता कट किया, ऊपर से हरी मिर्ची कट किया हूँ। फिर उसके बाद मैंने कुकर में पानी डाला हूँ, पानी अभी ये थोड़ा उबाल लूँगा इसको, पानी जब थोड़ा खोलने लगेगा फिर मैं मसाले ये सब डालूँगा। और चावल ये जो रहता है ना, आपको ये चावल थोड़ा आपको आधा घंटा पहले पानी में डालना पड़ेगा ताकि ये चावल में थोड़ा सा फूट जाए, इसके लिए आप इसमें चावल डालना पड़ेगा। तो अभी तक इतना प्रोसीजर मैंने आपको बताया, अभी इसके बाद में फिर मैं जो करूँगा आपको बताऊँगा, जब तक के लिए फिर मैं थोड़ा अपना आगे काम करूँगा फिर आपको। ये सब मसाला ना, अभी ये पानी गर्म हो गया, ये मसाले बन अभी इसमें डालने वाला हूँ मैं। सो अभी ये मसाला डालूँगा इसमें मैं, इसमें नमक भी डालना पड़ता है इसी के साथ। तो अभी ये देख रहा हूँ मतलब ऐसा थोड़ा कुछ दिख रहा है, इसके बाद अभी मैं इसमें नमक डालूंगा, फिर इसके बाद मैं दिखाता हूँ। तो अभी पानी उबल गया, अभी पानी उबल गया तो इसमें हम लोग अभी ये चावल को देख रहे हैं, आधे घंटे तक ये चावल इसी पानी में था, तो ये चावल को हम लोग ना इस पानी के अंदर डालेंगे, मतलब ऐसा करो कि इसमें ना पानी नहीं लगना चाहिए। ये चिकन है जो हमारा, इस चिकन में हम ना मतलब ये जितने भी मसाला है देख रहे हो, मतलब मेरे को भी नाम नहीं मालूम है सही से, तो जितने बिरयानी का मसाला रहता है मेरे को भी सही से नाम याद नहीं है। तो ये सबको ना हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद है ना हम लोग इसको पूरा मिक्स करेंगे, फिर मिक्स करने के बाद का प्रोसीजर है वो फिर मैं आपको अगले में दिखा रहा हूँ। मिक्स करने के बाद डालने के बाद हम लोग ने जो ये टोमेटो और मिर्ची और ये सब जो काटे थे इसको इसमें डालेंगे, ये सब इसमें डालने के बाद फिर थोड़ा सा है ना कॉर्नफ्लावर डालेंगे, थोड़ा सा कॉर्नफ्लेवर रहता है ना, मतलब इससे भी टेस्ट ना थोड़ा बढ़ता है, इतना बहुत ज़्यादा ये बहुत काफ़ी है, बस इतना ही रहने देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग ये दही डालेंगे, दही डालेंगे फिर इसमें हम लोग। और दही डालने के बाद तो प्रोसीजर भी मैं बता रहा हूँ, कॉर्नफ्लावर डाल दिए, नमक डाल दिए, इसमें नमक नहीं डालेंगे मतलब वो चावल में डाले थे, फिर अभी ये दही डालेंगे। अभी इसमें मैंने दही डाल दिया और इसको अभी ना एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे पूरा। अभी मिक्स करने के बाद का फिर मैं आगे दिखाऊंगा आपको, मिक्स करने के बाद कैसा दिखता है। सो अभी इसमें हम लोग है ना ये कांदा को फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद चिकन डालेंगे। चिकन का जो मिक्स बनाए थे उसको भी डालेंगे उसमें, ये काम थोड़ा लाल हो गया था। तो बिरयानी भी रेडी हो गया, अभी इसमें चिकन डाल के बस फ्राई करना बाकी है। सो अभी मैं चिकन डाल रहा हूँ उसमें, मेरा चिकन देखो कितना अच्छा स्पाइसी तैयार हो गया मेरा चिकन। अभी इसमें मैं चावल ऐड करूँगा,
ऐड कर रहा हूँ देखने। चावल ऐड कर दिया, बाकी का ऐड मैं दिखाता हूँ। हमने देखो कांदे को मतलब पूरा ये जलाए थे ना, तो अभी इसमें आधा इस पर डालेंगे और फिर आधा वो ऊपर का जो चावल बचा है ना उस पर डालेंगे। तो ये देखो देखने में बहुत अच्छा लगता है ऐसा। तो अभी ये हमने डाल दिए, अब इसके ऊपर फिर वो चावल रख देंगे। देखने में आपको लग रहा होगा कितना टेस्टी है, और खा के भी देखूंगा। ये हमारा ये बिरयानी तैयार हो गया है, फिर से इसको छिड़क देंगे। और आज का हमारा ये ब्लॉग भी कंप्लीट हो गया है, सो खा के भी दिखाऊंगा कैसा टेस्टी है। तो इसका रेटिंग आप लोग ये दोगे कितना, और तो 10 में से कितना रेटिंग मिलना चाहिए वो आप लोग पूछोगे। यहाँ पे भी मेरा बिरयानी देखो तैयार हो गया है। थोड़ा पानी डालेंगे और गैस को एकदम स्लो पे करके, गैस को ऑन करके एकदम स्लो करके, और 15 मिनट तक ना इसी 15 मिनट या 10 मिनट तक इसी छोड़ देंगे ढक्कन बंद करके। ऊपर से थोड़ा है ना ये अच्छा कपड़ा डाल के स्लो करके देखते हैं। चलिए तो ये हमारा बिरयानी इतना मेहनत करने के बाद ये तैयार हो गया है। सो अभी घर पर बनाना चाहो तो वीडियो पीछे से देख के बनाओ कैसे बनाया मैंने, फिर अभी मैं इसको खाता हूँ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट्स। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाय। तो भाई जैसे कि मेरा बिरयानी तैयार हो चुका है, मैंने खा भी लिया। खाने के बाद में अभी ऑर्डर दे रहा हूँ। तो मैंने देखा था कि पिछले ना समझ लो एक महीने से ना मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर कम हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि अभी अगर मैं वीडियो नहीं डालूँ तो और कम हो जाएंगे। तो भाई ये मुझे कोई कंटेंट नहीं मिल पा रहा था, इसके लिए मैं अभी वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। इसीलिए मैंने सब्सक्राइबर कम ना होने के फिर मैंने ये अपलोड भी किया है। सो इस वीडियो को भी पहले की तरह प्यार दीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। सो टेक केयर, बाय बाय।